दोस्तों, आप सभी ने देखा मेरा मॉल वाला वीडियो। तो फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने वीडियो को एंड की थी कल, उसके जस्ट बाद ही मैंने ब्लॉग का स्टार्टिंग कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइमिंग था और मैं यहाँ सामान जो लेकर के आई थी मॉल से, तो वही सब सारी सामानों को मैं यहाँ पे रखी हुई थी, क्योंकि सारी चीज़ों को ठीक ठाक करना था, देखना था, स्लिप वगैरह सारी चीज़ को मिलाना था। तो बस मैं यहाँ पे वही काम करने के लिए बैठी थी, तो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। और ये देखिए, सारे सामान जो भी हैं तो बेड में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो सारे सामानों को निकाल के देखती हूँ कि क्या क्या है। हालांकि लेने के टाइम, पैकिंग के टाइम तो हमने सभी चीज़ों को देखा ही है। तो यहाँ पे देखिए, एक मैं हर्बल मेहंदी लेकर के आई थी, और वो हर्बल मेहंदी पतंजलि का था फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, मैगी था, और जो भी सामान थे फ्रेंड्स, ये पैकेजिंग में सारी चीज़ को किया हुआ था। तो ये देखिए कि मैंने सील तोड़ करके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश की है। और ये देखिए, ये है फ्रेंड्स गुड़। तो फ्रेंड्स, ये गुड़ जो है चिक्की टाइप से बना हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं ले करके आई थी। और मैंने सोचा कि चलो अब गुड़ का चाय पिया जाएगा, या गुड़ से कुछ कोई चीज़ को मैं बनाऊँगी। और इधर मैं हस्बैंड जी से बातें भी कर रही थी। और यह है विम जेल, तो मुझे ये बाय वन गेट वन में मिल गया था, तो मैं लेकर के आई हुई थी। और यह फ्रेंड्स सेजवान का चटनी, जो मैं सभी सैंडविच और फास्ट फूड में थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे इम्पोर्टेंट सा लगा तो मैं लेकर के आई थी। और यहाँ है 2020 का बिस्कुट, और बाबू को ये बिस्किट जो है बहुत पसंद आया था, तो मैं लेकर के आ गई हूँ फ्रेंड्स। और हर बारी में बाबू को, मैं ही क्या, बाबू को भी थोड़ा सा होता है कि बिस्किट जो है चेंज करके खाने का। और यह है लिप्टन ग्रीन टी है फ्रेंड्स। तो पता नहीं, मुझे ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि बैग्स में है कि ओपन है, तो समझ नहीं पा रही थी मैं, तो बस वही चीज़ मैं कर रही थी। और आलमंड ड्रॉप्स बजाज का था फ्रेंड्स, हेयर ऑयल। और यही सब छोटे मोटे सामान थे जो लेकर के मैं मॉल से आई थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो का स्टार्टिंग यहाँ से किया जाएगा। हालांकि मैंने मॉर्निंग से ब्लॉगिंग का स्टार्ट की हुई थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, इसमें जो है मैं संतरे लेकर के आई थी, तो वही संतरा का पैकेट जो है देखिए कुछ इस टाइप का था जो डाला हुआ था। तो मुझे लगा, मैं भी थोड़ा सा भूल गई थी कि इसमें क्या है क्या है। और ये एक प्लेट था फ्रेंड्स, मेरा एक पतीला है, तो उसमें जो है ढक्कन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसको ले लिया जाए। और ये पतीले में एकदम बिल्कुल से फिट आया था, बहुत अच्छा सा अब फिट आ गया है फ्रेंड्स। दोस्तों, ये चीनी है, और ये देखिए कि हमने इतना शॉपिंग किया तो ये एक किलो का चीनी का पैकेट जो है हमें फ्री मिला है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि मैं नाश्ता जैसे कि नहीं की थी मॉर्निंग में, तो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मैंने सोचा चलो बैगन का भरता बनाया जाए। तो यहाँ बैगन जलने के लिए मैं रखी थी गैस स्टोव के ऊपर में, और फ्रेंड्स दो चार टमाटर भी इधर साइड में हीटर में मैंने रख दिया है जलने के लिए। हालांकि थोड़ा सा रिक्सी है हीटर में टमाटर वगैरह को जलाने का काम जो होता है, थोड़ा सा रिक्सी मुझे लगता है, बट कोई बात नहीं, केयरफुली मैं कर लेती हूँ। और इधर देखिए कि भरते में मैं धनिया यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे कट सट कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं चोखा रेडी करके मिलती हूँ आपसे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है, जैसा कि मैंने इसमें प्याज डाला, धनिया पत्ता डाला, हरा मिर्चा डाला, और नमक और तेल के साथ मैं इसको बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी। सभी लोग बनाते होंगे, और बहुत इजी वे में बन जाता है। मैं इसका कोई छौक वोक नहीं लगाती हूँ, डायरेक्टली ऐसे ही बनाती हूँ। और देखिए कि ये टाइम जो है बहुत अबव हो गया था, तो मुरमुरे के साथ मैंने चोखे को इन्जॉय किया है फ्रेंड्स। और
हमारा जैसे कि बंगाली कल्चर है तो आप सभी को पता ही है कि हम सब मुरमुरा बहुत पसंद करते हैं। और फ्रेंड्स, यह है दोपहर का क्लिप। यहाँ मैं बाबू के लिए अंडा करी बना रही थी उसका फरमाइश पे, और फ्रेंड्स दो ही अंडा का मैं करी बना रही हूँ क्योंकि बाबू को ही सिर्फ खाना है। हम सभी के लिए मैं चिकन बनाई थी तो बाबू जैसे कि उसको मन आ गया था अंडा खाने का, तो यहाँ अंडा मैं बस सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बना रही थी। तो थोड़ा सा ग्रेवी करके बनाऊंगी क्योंकि दोपहर का लंच में बना रही थी, और लंच में मेरा आज दाल जैसे नहीं था तो बस इसको अकॉर्डिंग लेते हुए मैंने ग्रेवी का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला कि दो ही अंडा का मैं करी बना रही हूँ, तो यहाँ देखिए कि मैंने दो ही अंडा यहाँ पे डाला हुआ है, और यहाँ लीजिए कि अंडा बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद दोपहर का खाना जो भी मैं बनाई हूँ तो बच्चों को खिला दूँगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्या ये बताऊँ कि अभी इन दिनों जैसे कि थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ से ब्लॉगिंग को करूँ, क्योंकि सभी लोग जैसे बिजी चल रहे हैं तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या करूँ करके। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जहाँ जहाँ से मुझे पॉसिबल होता है मैं बनाती जाती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे खाना वगैरह मेरा हो गया था कंप्लीट, मैं खा ली थी। उसके बाद देखिए कि थोड़ा सा बैठी थी, मेरे पास कुछ उन बचा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इससे कुछ बनाया जाए। तो मैंने पूजा का थाल ढकने का जो एक होता है थालपोस, मैं इसको थालपोस ही बोलती हूँ, तो वही मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी। बीच बीच में जब भी टाइम निकलता है थोड़ा सा खाली बैठती हूँ तो बस थोड़ा सा कुछ हाथों में लेकर के बैठ जाती हूँ, तो ये काम जो है मेरा बहुत अच्छे से हो रहा था। हालांकि डिजाइंस वगैरह बहुत अच्छा वाला मैं नहीं डाल रही हूँ, बस नॉर्मल वे में जो बन जाए। और ये ऊन जो है बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, जहाँ तहाँ रहता था तो मुझे लगता था कि इसको मैं कहाँ लगाऊँ कहाँ लगाऊँ। और ये बचा हुआ ऊन था, कोई चीज़ मैं पहले बनाई थी तो बस उसी से निकला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसका एक कुछ यूजफुल चीज़ बना लिया जाए जहाँ ये यूज हो जाए और बहुत अच्छे से सेटअप हो जाएगा इसका, रख दूँगी कहीं। तो देखिए कि खेल खाल में ही मैंने समझिए कि एक थालपोस यहाँ बना ली हूँ, ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन जब तक ये ऊन चलेगा जब तक मैं इसको बनाती जाऊँगी, क्योंकि उनको भी मुझे बचाना नहीं है, और पूरा जितना भी ऊन है मुझको जो है इसमें खपत कर दूँगी मैं। तो यही है फ्रेंड्स, और देखिए मुझे लगता है कि एक थालपोस जितना ये हो ही जाएगा। और फ्रेंड्स इधर आए देखिए कि मैं किचन में आई थी थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे मैं एक ठिठुरता हुआ पानी में देखिए कि एक चूहा जो है बेसिन में गिरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको क्लिप निकालती हूँ और मैं बाबू को दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए कि बाबू डर रहा था बहुत इसको देख करके, और इतना ठिठुर सा गया था कि क्या बताऊँ, पानी में पड़े पड़े, और मुझे इसको देख करके बहुत मुँह आया। तो देखिए हालांकि मैं इसके पुच्छी पकड़ के ऐसे ही उठा ली थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। और देखिए कि जैसे मैं पकड़ी तो मेरे हाथ में वो चढ़ने लगा था फ्रेंड्स। और यह है शाम का क्लिप, करीबन 3 से 4 बजे का टाइमिंग था, और यहाँ पे मुझे मसाला रेडी करना था थोड़ा सा मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को मैं मसाला पीस कर हमेशा ही से भेजती हूँ। और आप सभी को पता ही है कि माँ मेरी मेरे घर से करीबन 3 किलोमीटर दूरी पर है मेरी माँ, तो मसाला मैं हर मंथ माँ को बना करके देती हूँ। तो बस थोड़ा सा फुर्सत में थी तो सोचा कि चलो मसाला पीस लेती हूँ फ्रेंड्स। और मेरी जो वीडियो है फ्रेंड्स आज की यहीं तक रखूँगी, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आ गई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।